सामने आना है आप। ठीक कैसा बनाए फिर भैया? ठीक है डिफरेंशियल। मैं सिस्टर मीना हूँ, प्रेमल ज्योति मैं दादी हूँ और सोसाइटी ऑफ हेल्प सब मेरे काम। आज छिट्टीपुरा स्टेट राजा भोजनालय का उद्घाटन हुआ है, उसमें आप मुख्य अतिथि हैं। इस राजा रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजा रेस्टोरेंट के जो मालिक है मिस्टर ज्ञानो श्रीवास्तव जी, वो अपने मेहनत और लगन से इसको आगे लाया है और सोशल कार्य में जो सामाजिक कार्य होता है, ज्ञानू जी जहाँ जाए वहाँ ज्ञानू जी दिखाई देते हैं और कोई भी कार्य हो सामाजिक कार्य हो ज्ञानू जी सबसे आगे रहते हैं। इस कोरोना के समय में ज्ञानू जी ने सबको इतनी मदद की है कि जहाँ लोगों की भीड़ रहती थी, राशन का दुकान हो या भोजन वितरण करना हो, ज्ञानू अपने खुद के बाइक के साथ एक स्पीकर लेके लोगों को जन जागृति करते थे और वो इतना देख कर हमें बहुत खुशी होगी और आज का दिन हमें आज के दिन के लिए हमें बहुत खुशी है कि ज्ञानू जी अपने अपना जो बिजनेस है वो तो बढ़ाना चाहते हैं, अपने खुद का कुछ होना चाहिए और अपने घर में ही ये कर रहा है। इसके लिए हमें बहुत आनंद है, खुशी है और हम सब उनको इस बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमारे इस इलाके में एक राजा भोजनालय है। परिचय बताएं। मैं ज्ञानो श्रीवास्तव, मैं चंदुआ छतरपुर हरिनगर कॉलोनी में रहता हूँ। आज किस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया और कहाँ किया है? मैं राजा भोजनालय का उद्घाटन आज मैंने अपने घर में ऊपर फ्लोर पे मैंने अपना भोजनालय खोला है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? हमारी मीना सिस्टर जी हैं और मैं सभी लोगों का और सभी मीना सिस्टर जी का भी और तमाम भाइयों बहनों माताओं का से आभार व्यक्त करूंगा कि मैंने भोजनालय खोला है। ये राजा बोले शुद्ध भोजन दूंगा, ताज़ा भोजन, किसी प्रकार का कोई मिलावटी खाना नहीं दूंगा और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और आशीर्वाद चाहिए हमें। ये राजा भोजनालय में क्या क्या वेराइटी आप रखे हुए हैं? हम नॉनवेज भी है, वेज भी है, चिकन बटर मसाला है, चिकन रोस्टेड है, मटन करी है, पनीर चिल्ली है, पनीर बटर मसाला है, कढ़ाई पनीर है और भी तमाम कई प्रकार के भोजन हम रखे हुए हैं जिसका अभी हमने लिस्ट नहीं छपा पाया। जल्द एक दो दिन में मैं इसका पूरा लिस्ट भी बनवा लूँगा। ये राजा भोजनालय काफ़ी अंडर गली में है, किस तरह से यहाँ कस्टमर आएंगे, कस्टमरों को क्या सुविधा आप देंगे? मैं पूरी सुविधा दूंगा और जितना हो सकता है मैंने उन्हीं के लिए इतना व्यवस्था और बैठने उठने की सारी व्यवस्थाएं की हैं और सभी लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी नहीं होगी खाने पीने में। बस यही आप लोगों से विनती चाहता हूं कि हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।